इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उज्जैन से, जहां महाकाल मंदिर में अब आगामी आदेश तक श्रद्धालु भस्म आरती में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आज से जो भी बुकिंग है वो कोरोना कर्फ्यू के कारण निरस्त कर दी जाएंगी। मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़ ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया है। इस मामले में उज्जैन महाकाल मंदिर में अब प्रबंधन क्या कुछ ये हम जानते हैं सहायक प्रशासक पूर्णिमा सिंह से। पूर्णिमा जी, बताइए कि अब श्रद्धालुओं के लिए क्या खास व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं के लिए जो रात में जो 11 से 5 प्रवेश प्रतिबंधित है पूरे मध्य प्रदेश शासन द्वारा, उसके तहत भस्म आरती में भी प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसके अलावा टाइमिंग जो है वो सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही दर्शन महाकाल के, उसके बाद बंद रहेगा प्रवेश। जी पूर्णिमा जी, इसमें श्रद्धालुओं की कोई संख्या निर्धारित की गई है कि इस वक्त में इतने ही श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे? अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाकर आएं, वैक्सीनेशन अपना दोनों वैक्सीनेशन करवाएं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, अपना स्वयं का खुद ही ध्यान रखें सभी लोग, तो कोरोना से बचाव किया जा सकेगा। पूर्णिमा बताइए कि क्या अगर ये कोरोना का कुछ लहर जो है ये बढ़ती है, कोरोना का प्रकोप अगर बढ़ता है, तो इस मामले में महाकाल मंदिर प्रबंधन द्वारा और भी कोई सख्ती बरतने की बात सामने आ रही है अभी इस वक्त? अभी इस संबंध में कोई ऐसे ही समिति द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा तो अवगत कराया जाएगा। जी पूर्णिमा जी, इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भस्म आरती में कितने लोग उस वक्त मौजूद रहने का इसमें निर्णय लिया गया है? भस्म आरती में आम श्रद्धालु नहीं रहेंगे, जो भस्म आरती करते हैं पुजारी, जो आमतौर पर बाबा की जो पारंपरिक व्यवस्था है बस वही रहेगी। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद पूर्णिमा। महाकाल मंदिर में दर्शन को लेके बनती है, उसको नाइट कर्फ्यू के तहत उसमें ये फैसला लिया गया है कि मंदिर में प्रवेश अब सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ही दिया जाएगा, जिससे कि 11 से 5 के नाइट कर्फ्यू का पालन हो सके। और चूंकि इसके कारण जो 6 से 9 वाली व्यवस्था रहेगी, उसके कारण अब भस्म आरती में जो आमजन है उनका प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, उसके साथ साथ जो शयन आरती है उसमें भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि 9 से 6 के बीच में ही मंदिर में प्रवेश।